नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपको आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड इनपुट की, यहां पर बार बार पॉपअप शो होता है आपको अपने मोबाइल में, तो यहां पर जो है आज की वीडियो में इसी बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 3 से 4 सोल्यूशन आपको बताऊंगा, आपकी जो है प्रॉब्लम 101% सोल्व हो जाएगी। गाइस ये प्रॉब्लम जो है कई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एयरटेल की सिम की वजह से आती है, बट ऐसा नहीं है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी है जिनको जो है वोडाफोन की सिम है या फिर कोई अदर कंपनी की सिम है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे एक स्पेशल कमेंट करा है उन्होंने, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा। यहां पर कोई भी कंपनी का मोबाइल हो सकता है, किसी भी कंपनी का सिम हो सकता है। अगर आपको जो है कुछ इस तरह से बार बार पॉपअप शो होता है आपके मोबाइल में आता है, फिर आपको ओके करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, तो फिर से ये आ जाता है, बार बार आपके मोबाइल में शो होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से सेटिंग में आ जाना गाइस, डायरेक्टली सेटिंग में आ जाना है। यहां से सेटिंग में आने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से सेटिंग निकल कर आ जाएंगी। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आ जाइए। यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं, मेनली यहां पर जो है आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। यहां पर देख सकते हैं मेरे पास है अभी जियो 4G, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पर अपनी सिम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां से आपको जो है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है। यहां पर देख सकते हैं LTE, 3G और 2G, 2G पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यूज वोल्टी है आपका ऑन होगा, उसको ऑफ कर दीजिए। आपको उसके बाद जो है मेक कॉल यूजिंग वाईफाई, ये भी आपका ऑन होगा, ठीक है, ऐसे ऑन होगा, उसको भी ऑफ कर दीजिए। यहां पर जो है इतना करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी गाइज। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं होती है तो यहां से बैक आ जाइए। उसके बाद गाइज आपको जो है अपने मोबाइल का जो है यहाँ पर लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद गाइज आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरे मोबाइल का लॉक लगा दिया है। अपना जो है नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर जो है एयरप्लेन मोड जो है इसको दबाकर रखेंगे। दबाने के बाद यहाँ पर जो है आपसे लॉक मांगेगा। अब यहाँ पर लॉक ओपन कर देना है आपको। लॉक ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर सेटिंग निकल चुकी है आपकी एयरप्लेन मोड की। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं एयरप्लेन मोड जो है ऑन हो चुका है। उसके बाद जो है डायरेक्टली यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो इतना करने के बाद जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी गाइज। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है, फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा गाइज। डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है यहाँ पर अपने मोबाइल का सिम यहाँ पर रिमूव करना होगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपने मोबाइल का सिम रिमूव। तो गाइज देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैं अपने सिम जो है यहां पर देख सकते हैं मैं निकाल दी है और यहां पर सिम आपको भी रिमूव कर देना है, ठीक है। इतना सिम रिमूव करते ही जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप जो है सिम को दोबारा डालेंगे फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके लिए करना क्या है, आपकी जो सिम होती है दोस्तों उसमें यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको न्यू सिम यहां से अपने सर्विस सेंटर से जाकर ले लेनी है। सेम नंबर रखिएगा अपनी जो है, बस सिम आपको न्यू ले लेनी है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बस इतना ही बताना था आपको आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात का ध्यान रखना, अपनी सिम को चेंज करना है, नंबर को नहीं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।